आजकल YouTube का कंटेंट काफी हद तक चेंज हो चुका है। YouTube पे आजकल क्या कंटेंट बन रहा है आइए चल के देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक बंदे को या स्पेसिफिक चैनल को टारगेट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए बनाई गई है, तो जाएं और फन करें। जी भाई, क्या चाहिए आपको? भाई आपके पास क्या क्या है? यार मेरे पास तो सब कुछ है, मुर्गियाँ हैं, खरगोश हैं, कबूतर हैं, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। नहीं नहीं भाई, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखाओ जिसको दुनिया देखो वो पागल हो जाए। भाई आप अपनी रेंज बता दो, आपकी रेंज क्या है? रेंज ये क्या होता है? भाई रेंज का मतलब ये पैसे जिसको देके आप चीज लोगे। अच्छा, पैसे पैसे तो नहीं है मेरे पास। भाई असल में बात ये है, मैं ना YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। YouTube के बारे में तो पता होगा ना आपको? नहीं भाई, मुझे YouTube नहीं पता, मैं TikToker हूँ, मैं TikTok वीडियोस बनाता हूँ। अरे नहीं भाई, YouTube भी अब ना TikTok की तरह हो गया है। जैसे कंटेंट TikTok पे आता था ना, अब YouTube पे भी वही आता है। चलो छोड़ो इसको, आप ये बताओ कोई ऐसा परिंदा दिखाओ जिससे हम पागल हो जाए। भाई तो फिर मेरे पास एक रेसर कबूतर का पेयर है 2000 का, वो ले जाओ तुम। यार 2000 ही तो नहीं है ना मेरे पास, आप कोई ऐसी चीज दिखाओ जो बगैर पैसों की भी आ जाओ, मेरा काम भी हो जाए। यार कहाँ से आ गया? भाई तू एक काम कर, फ्री में मुझसे एक जंगली कबूतर ले जा और मेरी जान छोड़। फ्री में? हाँ फ्री में ले जा भाई, आजा मैं तेरे को। आ जा यार। भाई ये देखो, ये सारे कबूतर रखे हैं, अब इसमें से बताओ कौन सा निकाल। ये तेज तो उड़ेंगे ना सारे? हाथ डाल के देखो, पता चल जाएगा कितना तेज। अच्छा हाथ डाल के अभी देख लेता हूँ। इससे तो यार बहुत आला कंटेंट बन जाएगा मेरा। निकालो निकालो जल्दी करो, तेज है ये, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी। अच्छा पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, आप इधर से हाथ डालो। यार मेरा तो एक कंटेंट यही बन जाएगा सारा। अरे पकड़ लो। अरे आ गया आ गया। इसको मुझे ना इसको पैक कर दो, ये डालने ऐसे ऐसे सही है भाई? ठीक है, इसको कस के पकड़े निकल जाएगा, ये बांध लेंगे। हां कस के पकड़ लिया, सही है। आप भी मशहूर हो जाओगे। ठीक है, मैं भी मशहूर हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अबे यार आज क्या व्लॉग बनाऊं, एक तो डेली व्लॉगिंग के चक्कर में ना जिंदगी अजाब हो गई है, रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना पड़ता है। यार आज क्या करूं, आइडिया। ओए क्या कर रहे है? अबे कुछ नहीं यार, कॉलेज का काम कर रहा हूँ। अबे यार एक काम करेगा, छोटी सी एक्टिंग करनी है बस। अबे भाई मैं नहीं कर रहा। अबे यार आज कंटेंट ही नहीं बन पा रहा यार, समझा कर ले यार। यार ये तेरी डेली व्लॉगिंग की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। अबे यार कुछ भी नहीं करना, बस तुझे सोना है, मैं तुझे आके उठाऊंगा ना, तुझे गुस्सा करना है बस। क्या तेरे रोज रोज कर ले यार, मिलियन में व्यूज आते हैं तुझे पता है यार। चल यार चला जा, चल जा भाई। देख सीन ये, अंदर जाके सो जा और जब मैं उठाऊ ना फुल जोर से गुस्सा करना है। ठीक है, जितना गुस्सा हो सके उतना करना है, सही है? सो गया? हाँ सो गया, बस ठीक है आ रहा हूँ मैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा घर पूरा का पूरा फैला हुआ है, किताबें पड़ी हुई हैं। ये मेरा भाई है ना बनमानस भाई, ये पूरा घर फैला देता है। ये वो टेबल है जहां पर बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं। तो अभी बनमानस भाई मेरा सो रहा है अंदर, इस कमरे के अंदर सो रहा है, इसको मुझे उठाना है। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छा भाई सीन ये है कि अंदर जो है ना मेरा बनमानस भाई सो रहा है, ये गेट के अंदर सो रहा है, इसको मैं उठाता हूँ आज मार के, क्योंकि ये घर पूरा का पूरा फैलाता है ना, तो इसको मैं मार के उठाऊंगा। चलो भाई गेट खोल देते आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो सो रहा है, ये सो रहा है पड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कोई मुर्दा सो रहा है। लाइट जला देते हैं, आराम से पड़ा हुआ सो रहा है। इसके साथ अभी क्या होने वाला है इसको पता ही नहीं है। 1 2 3। अबे जा पागल है क्या तू, तेरा दिमाग खराब है क्या? हुआ ये क्या हरकत है तेरी, तुझे शर्म नहीं आती मुझे सुकून से सोने नहीं देता? यार पूरा घर तूने फैलाया हुआ है यार, क्यों फैलाया हुआ तूने घर? मैं मम्मा को शिकायत कर दूंगा तुम्हारी, मम्मा को शिकायत कर दूंगा, इतना गुस्सा नहीं करो यार। तूने मुझे उठाया क्यों, सुकून से सोने नहीं देता यार? अबे भाई दोपहर होने वाली है, तुम अभी तक उठे नहीं यार। मुझे तो हमें तेरा गला दबा दूं। अबे भाई क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है यार। शर्म आती है, रात की 12 बजे आती है, 12:01 पे चली जाती है। बस बेहतरीन हो गया, आला हो गया, आला क्या गुस्सा किया तूने, मजा आ गया यार, मतलब कैप भी उतार दी मेरी। देख बात सुन, देख गुस्सा तो तूने कर लिया ना, अब एक थंबनेल दे दे यार अच्छी थी, और थंबनेल में ना फुल गुस्सा कर, और मैं ऐसे शो करूंगा कि मैं बच रहा हूँ। सही है, चल गुस्सा कर गुस्सा कर। अबे और गुस्सा कर ना, जितना गुस्सा तू अभी एक्टिंग में कर रहा था उतना कर, चल। अच्छा बेहतरीन थंबनेल आ गई, बेहतरीन।
चल अब कल मिलूंगा, सही है? हो गया तेरा कल का एक कंटेंट सोचा मैंने बड़ा बाप किस्म का। अबे भाई इस कबूतर का क्या करेगा भाई? ये कबूतर मैं दुकान से लाया हूँ, वो भी फ्री में। अबे भाई दिखा इसको, मैं आजाद करता हूँ। ओ भाई आजाद नहीं करना, क्या हो गया भाई? मुझे अपनी वीडियो बनानी है यूट्यूब की। अबे इससे क्या यूट्यूब की वीडियो बनेगी? अबे भाई इसी से तो वीडियो बनेगी, व्यूज आएंगे, डॉलर आएंगे। मैंने एक काम करूंगा, इस कबूतर को कमरे में छोड़ दूंगा और ये फुर्तीला कबूतर है, फिर वीडियो पे व्यूज आएंगे, बोलूंगा कि ना ये कबूतर हमारे घर में घुस गया। अबे भाई क्या क्या करता रहता है। अच्छा चल यार आ जा चल छोड़ उसको। भाई देखो प्लान ये है, इस कबूतर को मैं इस कमरे में छोड़ूंगा और पता नहीं चलना चाहिए कि ये फेक हो रहा है, ठीक है? तुम वहां पे सो जाना, मैं आऊंगा बोलूंगा मेरा भाई सो रहा है, इसको पता नहीं है, मैं इसको उठा देता हूँ, घर में कबूतर घुस गया। ठीक है ठीक है। हाँ निकल निकल भाई, दरवाजा बंद करके जाओ, कबूतर छोड़ लो ढूंढने जाएगा। सही से वो वाला भी दरवाजा बंद कर दो। चलो भैया आ जाओ, तुम्हें हम उड़ा देते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात, मैं आप लोगों को बताऊं हमारे घर में कबूतर आ गया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हमारे घर में कबूतर आ गया है। कबूतर वो देखे नाजरीन, वो बैठा हुआ कबूतर और ये हमसे बहुत घबरा रहा है। और कहां गया मेरा भाई अंदर कमरे में सो रहा है और हम इसको उठाएंगे नहीं। एक मिनट। ओ भाई ओ, अरे इतनी ओवर एक्टिंग नहीं कर भाई, आराम से सो, जैसे तमीज से सोते हैं, लोगों को पता चल जाएगा फेक कंटेंट है। सही से सो आराम से, मैं पीछे से वापस आ रहा हूँ। तो गाइस अभी मेरा भाई सो रहा है और हम इसको उठाते हैं। भाई भाई उठो, भाईजान उठो, मर तो नहीं गया भाई? उठो भाई, हमारे घर में कबूतर आ गया है, हमारे घर में कबूतर आ गया है। हाँ उठो उठो यार, इतनी ओवर एक्टिंग नहीं कर, फौरन उठ जा। चल मैं दोबारा रेडी कर रहा हूँ, 1 2 3 रेडी, उठा रहे कट आएगा ना, उठा रहे। हाँ भाई हमारे घर में कबूतर आ गया है, कबूतर आया है, पता नहीं कहाँ से आ गया, सारे दरवाजे तो बंद है लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया। आ जाओ इसको पकड़ना पड़ेगा, देखो पकड़ो। ये देखें कबूतर, तुम ऊपर क्यों चढ़े हो? ओए एक मिनट भाई, इतनी जल्दी नहीं पकड़ना, 8 मिनट पूरे करने, दोबारा से कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो गाइस अभी देखें मेरा भाई जो है वो ऊपर चढ़ गया है लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहा है, क्या करोगे, इसको कैसे पकड़ोगे? इसको यहाँ पे चढ़ो, इधर आओ स्लेप पे आओ, स्लेप पे चढ़ो, चढ़ो। तो गाइस ये देखें, ये मेरा भाई ऊपर चढ़ा है और ये कबूतर को पकड़ रहा है। कबूतर उड़ गया, कबूतर भाग गया। ये देखे कबूतर उड़ रहा है इधर उधर हमारे घर में आ गया। ठीक है भाई, मेरा व्लॉग के 8 मिनट पूरे होने वाले, अब बस इसको पकड़ना है, ठीक है? और नेक्स्ट कंटेंट बनाऊंगा कबूतर को, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज कर दिया। चलो 1 2 3 रेडी। तो गाइस ये देखें, ये मेरा भाई ने कबूतर पकड़ा और ये कबूतर उड़ता बचा रहा है। पकड़ लो भाई, इसको पकड़ लो। और ये और ओ मेरा भाई गिर गया, इसको चोट लग गई। एक मिनट, इस पर अलग कंटेंट भी बन जाएगा। सर पे चोट लगी है क्या? सर पे चोट लग गई, लगी असली में लगी है। थंबनेल लो। कबूतर पकड़ते हुए मेरे भाई का सर फट गया। अब इसको पकड़ना है हमें, हमारा कंटेंट बहुत बड़ा जा रहा है भाई, इसको पकड़ना है अब हमें। पकड़ लो। भाई ये कबूतर मुझसे तो नहीं पकड़ा जा रहा लेकिन हमारा भाई जो है वो कबूतर पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। भाई अब इसको पकड़ लो, हमारा कंटेंट थोड़ा है, जल्दी पकड़ लो। गाइस ये देखें कबूतर हमारे हाथ में नहीं आ रहा है और ये भाई ये कबूतर बहुत ऊपर ऊपर उड़ रहा है, हम इसको स्टूल से पकड़ेंगे। अब हम इसको ऊपर जाते हैं और ये उड़ो, मेरे भाई ने कबूतर पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, अब ना मैं इमोशनल टच दूंगा कैमरे के अंदर और तुम भी सर बांध के नीचे खड़े हो जाना, हाथ बांध के, ठीक है? ताकि लोगों को थोड़ा रहम आ जाए। ठीक है। 1 2 3 रेडी। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने कबूतर पकड़ लिया है और कबूतर एक ऐसी मखलूक है, इसको हमें कैद नहीं करना चाहिए, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत खराब है, इस वजह से ये हमारे घर में आ गया। तो ये कबूतर हमारे घर में खुद आया था। आप लोग समझते हैं कि मैं फेक कंटेंट बनाता हूं, मैं फेक चीज़ें बनाता हूं, ऐसा नहीं है, आप लोग गलत समझते हैं। तो खैर अब हम इसकी पहले तीमारदारी करेंगे, इसको हम दवाई लगाएंगे, इसके पर पे चोट लगी है, फिर हम इसको रिलीज़ कर देंगे। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं अगला कंटेंट भी बना दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज कर दिया, ठीक है? चलो इसको पिंजरे में डाल दे। भाई ये क्या हो रहा है? अबे यार मैं थंबनेल ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले ली। गाड़ी ले ली? हाँ कब ली?
अबे ये गाड़ी ली है ना? ओ भाई ये मेरी गाड़ी है यार, क्या हो गया? मैं कंटेंट बना रहा हूँ, एक वीडियो का हिस्सा है, यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, तू ऐसा समझियो कि ये मैंने गाड़ी ले ली। मैं क्यों समझूं भाई, मेरी गाड़ी है, मेरी जाती इस्तेमाल में है, क्या हो गया यार? यार समझा करना, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। मैं तुझे ना बिरयानी खिला, मतलब कंटेंट में झूठ बोल रहा है आवाम से। खैर हो गई ना, किसी को क्या पता चलेगा। चल हट, पहले तुमने ले लूं, थोड़ा सा उधर। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपके भाई ने ऐसा काम किया है कि आप लोग सोच के ही पागल हो जाएंगे। बताओ आपके भाई ने क्या किया? आपके भाई ने ले ली फाइनली गाड़ी, और इन प्यारे से भाई से, खूबसूरत से भाई से हमने ये गाड़ी ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप गाड़ी चेक करें यार, मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहा है यार तू? यूट्यूब पर कितना झूठ बोलते हो यार? अबे यार तू समझा कर मेरी बात सुन, जैसे प्यार और जंग में सब चीज जायज होती है ना, ऐसी यूट्यूब पे सब कुछ जायज होता है, समझ रहे ना यार? तू मुंह मत बना, सकून से खिल खिला के बता। ठीक है मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है भाई, माशाल्लाह से आप गाड़ी चेक करो, कितनी खूबसूरत है। बस थोड़ी बहुत मट्टी लगी है, अगर मैं इसकी मट्टी साफ करूंगा देखें आप कितनी चिकनी है, आहा मजा ही आ जाए। भाई आपने ये जो गाड़ी दी है मुझे, ये आपको कैसा लग रहा है मुझे गाड़ी देके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गाड़ी देकर, और ये गाड़ी मैं चलाता नहीं था बिल्कुल असल में, तो मैंने सोचा कि भेज देता हूँ। तो इन भाई से कॉन्टेक्ट हुआ, इनकी वीडियो में बड़े शौक से देखता हूँ, बहुत ही रियल वीडियो बनाते हैं, अक्सर यूट्यूबर फेक बनाते हैं लेकिन रियल बनाते हैं। तो ना मैंने इनको गाड़ी इनको सेल कर दी, और बहुत ही कम प्राइस में मैंने इनको की, क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ। आप लोग भी इनको सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें भाई। और एक बात बताऊँ मैं आपको, गाड़ी की, गाड़ी इन्होंने इतने अच्छे प्राइसेस में दी मुझे, इतने अच्छे प्राइसेस में, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी बाप गाड़ी इतने अच्छे प्राइस जी। इस गाड़ी का नाम क्या है यार? इस गाड़ी का नाम है, क्या नाम था इसका गाड़ी का? इसका नाम करोला, करोला। आप जरा एक पूरा वाइड एंगल व्यू चेक करें, माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत गाड़ी है यार। तुम जरा साइड में हटना, गाड़ी नहीं दिख रही। हाँ बेहतरीन यार, आप गाड़ी चेक करें। ओए होए 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 होए, वैसे आपके भाई पे ये गाड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी, मुझे तो पता है। आप लोग कमेंट में बताओ ये भाई पे, आपके भाई पे गाड़ी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। खुद ने तो शादी कर ली है, ब्लॉग के चक्कर में मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं, माँ को लगा दिया किचन में, खुद बैठ के टिकटॉक बनाती रहती है, किचन का एक काम नहीं होता इससे। अम्मा क्या पका रही है? तुम फिर आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। अरे मम्मा क्या हो गया? क्या हो गया क्या मतलब है? खुद तुम सारे पैसे कमाते हो, माँ को एक रुपया नहीं देते हो, और कहते हो मम्मा क्या पका रही है? अरे मम्मा बताए ना क्या पका रही है। तुम ना मेरा दिमाग मत पका, तुम्हें पता भी है ना क्या पक रहा है? चाय पक रही है, और क्या पक रहा है? अच्छा मम्मा मैंने इसका एक व्लॉग बना लूं, क्या चाय पक रही है घर पे, तो इसके अंदर तुम दिखाओगे क्या कि तुम पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हो, अजीब। अरे मम्मा डेली व्लॉग में यही होता है ना, ये पका लिया, ये खा लिया, ये हो गया, वो हो गया, यही होता है। अच्छा चलो पकाओ, दिखाओ, कुछ भी करो, तो पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मम्मा रेडी करे? हाँ कर लो रेडी। बस ठीक है, 1 2 3 रेडी। तो भाई मम्मा इस वक्त किचन में पता नहीं क्या पका रही है, मैं इनसे पूछता हूँ क्या पका रही है। मम्मा देखे इतनी मेहनत करती है मेरी मम्मा, ये साग बना रही है, ये चाय बना रही है। मम्मा क्या पका रही है? बेटा जब आपने बता दिया साग बना रही है, चाय बना रही है, तो और क्या पकाऊंगी मैं? तो ये नाश्ता बन रहा है, खाना बन रहा है? नाश्ता और खाना मिक्स करके बना रही हूँ। अच्छा, नाश्ता खाना मिक्स करके बन रहा है? तो मम्मा थोड़ा प्यार से बात करें ना, क्या हो गया? लोग बोलेंगे तुम्हारी मम्मा कितनी खतरनाक है, मम्मा है पता नहीं कोई डायन है। तुम्हारी शक्ल है प्यार करने वाली? नहीं बोले ये सब, प्यार से व्लॉग में प्यार दिखाते, फड्डे नहीं दिखाते व्लॉग में। अच्छा इधर लाओ बेटा, चाय पका रही हूँ और पराठा पका रही हूँ आपके लिए, आपको नाश्ता करना है? जी मम्मा, केकरस भी ले आएगा मेरे लिए, सही जी है? मेरा चांस है बेटा, मैं आपके लिए केकरस भी लेकर आ रही हूँ, चाय भी लेकर आ रही हूँ, पराठा भी लेकर आ रही हूँ। और आपको पता है आज मैं पराठा किसमें पका रही हूँ? किसमें पका रही है? दोबारा पूछो, प्यार से पूछो। किसमें पका रही है? एक दफा और पूछो। किसमें पका रही है? मैं पका रही हूँ पराठा देसी घी में। देसी घी में? देसी घी कभी खाया है तुमने? अच्छा हम लोग दूध कौन सा यूज करते हैं? बकरी का दूध। क्यों बकरी का दूध बोल रहे? अरे व्लॉग में बोलना है ना, व्लॉग में बोल रहा। अच्छा। बकरी का दूध, लोगों में इंप्रेशन होगा कि यार ये कितना हाइजेनिक लोग हैं। चलो सब्सक्राइब कर, बोलिए सब्सक्राइब भाई, मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब। पैसे दोगे ना तुम मुझे? पैसे दे देना, मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब कर देगा भाई। चले गाइस, हम लोग खाने बैठते हैं यहाँ पर, और मम्मा ने आज मजे मजे का साग बनाया, तो वो बैठ कर खाते हैं, और केक रस तो हमारे साथ मस्त है, और बकरी के दूध की चाय। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा हमारे घर में एक कबूतर घुस गया था जिसके चोट लगी हुई थी, इतना मासूम सा कबूतर है, और हमने आपको बताया था हम अगला व्लॉग बनाएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिलीज कर देंगे। भाई रुक तो जा, मुझे 8 मिनट पूरे करने, चल मैं इसको कट कर दूंगा। तो गाइस अब हम इस कबूतर को पकड़ के रिलीज करने वाले हैं, और मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है,
मुझे तो ये सोच सोच के अफसोस हो रहा है कि इतना मासूम परिंदा है और मेरा तो इस पे बहुत ज्यादा दिल आ गया, मुझे तो दिल ही नहीं चाह रहा छोड़ने का इसको। रुक तो जाना, मुझे इमोशनल टच तो देने दे। अजीब तुझे बहुत जल्दी पड़ी है, सुन ले मैं क्या कर रहा हूँ। 1 2 3 रेडी। तो गाइज मुझे देखें, इसकी आंखें देखें, इतना मासूम है, मेरा तो इससे दिल से मोहब्बत हो गई है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझे गाइस अभी रोना आ रहा है। ओए ओ भाई, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, लोगों को पता चल जाएगा फेक कंटेंट है, आराम से रो। गाइस मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा मैं इसको रिलीज कर दूं, लेकिन वो कहावत है ना कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसको एक दिन छोड़ना पड़ता है, तो गाइस आज हम इसको छोड़ने वाले हैं। हाँ कैमरामैन, कैमरा स्लोमो पे कर दिया? जी भाई कर दिया, कर दिया ना। इसके अंदर 50 FPS पे स्लोमो करना ताकि परिंदे के पराए उड़ते। 120 FPS पे बस ठीक है, एक मिनट मुझे उसमें इमोशनल में जाने दो। तो गाइस ये देखिए, ये भी अब चाह रहे कि हमें छोड़ के चला जाए। तो गाइस ये देखिए, अब हम इसको छोड़ ले, थोड़ा गैप देखते शॉट आएगा पीछे। ये देखिए गाइस, हम कबूतर फाइनली उड़ा रहे हैं। जाओ जाओ मेरे शेर, जाओ। तो गाइस कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिसको हम कैद नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर दे। कटे जी, बस ठीक है, जबरदस्त हो गया, व्यूज आ जाएंगे। बस ठीक है, आजा अब दूसरा परिंदा पकड़े, आजा। सानिया थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा बात सुनो, इमोशनल व्लॉग है, सैड शक्ल बना के रखना, सही है? ठीक है, सैड बनाओ, सैड शक्ल बिल्कुल, हाँ ऐसी, और झुक के रहो थोड़ा, सही है, सही है, स्टार्ट है। 1 2 3 रेडी। हंसी आ रही है? अरे हंसी को कंट्रोल करो ना यार, सीरियस सीरियस। हाँ नहीं, मुंह नहीं छुपाओ, मुंह नहीं छुपाओ। 1 2 3 रेडी। गाइस आज मैं आपको इतनी बड़ी खबर देने वाला हूं कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी खबर कैसे देने वाला हूं, और ये कैसे हो सकता है। क्या हंसू नहीं यार, हंसू नहीं, सीरियस बना के रखो शक्ल। देखो मैं कितना सीरियस हूं, मुझे भी हंसी आ रही है लेकिन मैं सीरियस शक्ल बनाया हूं। अच्छा बात सुनो, मुंह छुपा लो, एक काम करो, बालों से छुपा लो ऐसे, सही है? चलो गाइस मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, ऐसी खबर कि जो भी इंसान ये खबर सुनता है उसके दिल के जज्बात आसमानों में पहुंच जाते हैं। अब यार मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मार लेता हूँ, अब सही है, आंसू आ रहे हैं, देखो सही है, चलो ठीक है। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ अरसे पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने शादी की भी सारे व्लॉग आपको दिखाए थे, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, इतने व्यूज़ आए थे माशाल्लाह से, कि मेरे अकाउंट में डॉलर भर गए थे। तो आज मैं आपको उससे भी बड़ी खबर देने वाला हूँ। मैं एक तरफ बहुत खुश हूँ लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सैड भी हूँ, क्योंकि मेरी बेगम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग समझ तो गए होंगे, क्योंकि मेरे जो आंसू निकल रहे हैं दिल से निकल रहे हैं। आप लोग को अब खबर देने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, 22 साल का लड़का बाप बन जाएगा, कैसे हो सकता है? लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है, आप लोग भी सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी वाइफ माँ बनने वाली है, मेरी बहन खाला नहीं क्या बनेगी, पुप्पो, मेरी बहन पुप्पो बनने वाली है, मेरे भाई चाचू बनने वाले हैं, ताया बनने वाले हैं, मतलब इतनी बड़ी खबर मेरी फैमिली के लिए। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि मेरी फैमिली सिर्फ ये वाली फैमिली नहीं है कि मेरे भाई बहन दादा दादी, असल में तो मेरी फैमिली आप लोग हैं, क्योंकि मैं जिस मुकाम पर अभी बैठा हूँ आप लोगों की वजह से बैठा हूँ, और आप लोग में से हर बंदा मेरी फैमिली है, मतलब आप में से मेरे सारे के सारे भाई हैं, और जितनी भी लड़कियाँ देखने वाली वो सारी की सारी मेरी बहनें हैं, और मैं उनको हर खबर बताऊँगा, हर चीज़ें बताऊँगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है, कोई खुशी की खबर है, कोई गम की खबर है, आप लोगों में लाजमी आ रहा। अरे भाई क्या हाल है, आपका ये व्लॉग देख रहा था अभी मैं। अच्छा हाँ, वैसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप। शुक्रिया यार। कैसी कटिंग करनी है आपकी? यार मेरी एक काम करो, साइडों से कटिंग कर दो, यहाँ से ना साइडों से हल्की कर दो। अच्छा ठीक है, वैसे ये बताओ बेगम ठीक हो गई ना, आपकी तबीयत सेट नहीं थी ना उनकी? हाँ यार वो उनकी तबीयत खराब चली है ना, व्लॉग डाला है ना मैंने उसमें बताया। अच्छा वैसे एक हफ्ते से आपकी बहन नजर नहीं आ रही व्लॉग में, क्या सब खैरियत तो है ना? मतलब तबीयत वबीयत सेट है उसकी? नहीं है। हाँ उसकी तबीयत थोड़ी खराब है यार। हाँ तबीयत तो खराब हो ही जाती है। और अम्मी ठीक है, पराठे वराठे सही बना रही हैं? भाई मेरे व्लॉग में मर्द भी आते हैं।
हाँ तो ठीक है, उनके बारे में भी पूछ लेंगे। भाई ठीक है आपका? हाँ हाँ भाई भाई सब ठीक है यार। कटिंग करो आप। कर देते हैं कटिंग। कैप वेप तो उतारो, कैप पहन के बता नहीं क्यों कैप पहन के घूमते रहते हो। अच्छा एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। आपकी वाइफ बता रही थी कि उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मेरा भी फेवरेट कलर है। यार आपको तमीज नहीं है? किस तरह की बातें कर रहे हो यार आप? किसी की फैमिली के बारे में ऐसे बात करते हैं? क्या हो गया भाई? कब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ यार आपको? आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? आप खुद तो कहते हो हम भी आपकी फैमिली है। यार तो फैमिली का मतलब ये थोड़ी कि ओवर हो जाओ। मैं ओवर कहाँ हो रहा हूँ भाई, जो आप बताते हो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या हो गया? आप फजूल का यार आप बाल काटो यार, आप फजूल बातें नहीं करो। बाल ही तो काट रहा हूँ आपके। वैसे ब्लैक कलर होता बहुत अच्छा है। यार आप फजूल बात मत करो, मुझे कटिंग करवानी नहीं आपसे। बात तो सुनो, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? आप खुद ही तो बोलते हो हम आपकी फैमिली है। और एक बात बताओ, आप यूट्यूबर हो ना? हाँ। यूट्यूब पे वीडियो डालते हो ना रोजाना? मेरे बच्चे को भी शौक है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, लेकिन मैं उसको सख्ती करता हूँ, मना करता हूँ बनाने से। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी बोलता है कि मुझे मम्मा को दिखाना है, मुझे अपनी बहन को दिखाना है। सही है ना? मैं गरीब जरूर हूँ, जाहिल जरूर हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस्लाम में ना औरत का पर्दा होता है। ठीक है, औरत का मतलब ही होता है छुपा के रखना। समझ आ रही है बात? अगर आप ट्रॉफी को खुला छोड़ोगे ना तो चींटियां उस पर बैठेंगी। और आप मेरे ऊपर गुस्सा क्या कर रहे हो? अपने आप को देखो जरा। हाय बड़े मुंह नीचे करो यार। अभी किस तरीके से काम कर रहे हो यार? मुझे कटवाने नहीं है बाल। ये पकड़ भाई। क्या हो गया भाई, बुरा क्यों मान रहे हो आप? आप खुद ही तो कहते हो हम आपकी फैमिली का हिस्सा है। अजीब आदमी हो यार। मैं तो बड़ा मशहूर यूट्यूबर है ना। हाँ मैं इसका ब्लॉग देख के आ रहा हूँ। उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है यार आजकल। तू ही देखता है इसको? यार मुझे इसकी फैमिली बहुत पसंद है यार, मैं तो रोज देखता हूँ उसको। अच्छा चल आ जा, तेरे मैं काटू बाल। काटूंगा बाल काटेगा। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को पता है क्या करना होता है? सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन प्रेस करना होता है, और क्या करना होता है? वीडियो को शेयर करना होता है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।